दर्शकों आपने देखना शुरू कर दिया है रॉयल बुलेटिन और मैं हूं शुभम शर्मा। दर्शकों आज रॉयल बुलेटिन में चुनावी सफर तय करते हुए फुलकाजी विधानसभा क्षेत्र के काजीखेड़ा गांव में आ पहुंचा है। आपको मैं बता दूं हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक के पैतृक गांव है। हालांकि चुनाव से पहले हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, लेकिन चुनावी माहौल में उन्हें सपा को ज्वाइन कर लिया है और पंकज मलिक जो है चरथावल विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी भी हैं इस बार। अब मैं आपको गांव के अंदर लेकर चलता हूं, गांव के लोगों से भाजपा के बारे में जानता हूं कि भाजपा पर क्या रहा है, उनके चुनाव में क्या मूड है इस बार। मां बता जी आपका राजपाल, आप क्या करते हैं? हम तो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। 5 साल में बताओ कैसे निकले? हमारे तो बेकार निकल के, हम तो सब चीजें तो ठप कर दे, रोजगार भी हिला दे, कुछ भी आ दो, ये सारे बंद कर दे। बता इन्हें क्या कर रहा, बता इसने जो मजदूरों के हिले हैं वे सारे ठप कर दे, भट्टा पर मजदूरी करे, ये भट्टा खुद। बताओ अब क्या लग रहा है? अब तुम क्यों लग रहा है? हमारी मायावती हो, मायावती क्या है? क्यों मायावती क्या है? भाई अच्छी है वो, काम सबके करे वो, इसमें कोई भी हो इसमें सबके काम करती है वो, किसी का काम करती है, इसका इसी वजह तो मायावती आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम विजेंद्र है जी। क्या करते हैं विजेंद्र जी आप? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। 5 साल में भाजपा सफल रही नहीं रही? नहीं, गरीबों को तो ठोड़ मार दिए, महंगाई ज्यादा बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी जेब बेतुकी। और क्या समस्या रही है? समस्या सारा भारत बेच दिया और मजदूर आदमी बिल्कुल तंग कर दिया, रोजगार सब ठप कर दिए, रोजगार खत्म कर दिया, सारा खत्म कर दिया। अच्छा बताइए विधायक जी को जानते हैं आपने? था जाना। क्या नाम है विधायक जी का, नाम बताओ? उठवाल प्रमोद उठवाल जी विधायक काम किए। आज लो नहीं आए, साल में दिखाई दिए, जीतने के बाद नहीं आए, यहाँ एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं, एक बार नहीं आया। तो चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? हम तो हत्ती के होंगे, सुधे हाथी के, सिद्ध सिद्ध हाथी के। हाँ तो हाथी के क्यों हो आप? हाथी के हमारी कोई वोट गिनता नहीं, सुबह हाथी तो कहीं हो रहा, हम चमार है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कितनी उम्र हो गई बाबा जी आपकी? 80 होली 60। 60 उम्र हो गई। हाँ। अभी तक सबसे बेहतर किसे बताएंगे आप प्रदेश में? प्रदेश में? हाँ मायावती ने करा जी, यहाँ तो जो करा बस पैसन बनवाई थी और इन्हें तो कटवा दी, और मोदी ना कटवा दी। हाँ तो विधायक जी को जानते हैं? नहीं जानते विधायक जी को? हाँ जाना, एक बार बुलाता है यहाँ से, 500 रुपए दे गया था बस। 5 साल में मुझे जमादार को जानती मत, 500 रुपए दे गया कुल, एक 2000 रुपए लगे उसके उद्घाटन में, 500 रुपए दे गया। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो भाई मायावती के जी, हम तो सूद मायावती जी की सही रहेंगे आपकी। हाँ क्या नाम है जी आपका? राजपाल। आप क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं आप? चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में ये बता रहे वही है, चुनाव में माहौल सारा एक ही है। वही बात नहीं, आप बताओ अपना, अपना बताओ आप। वही है माँ का आया सही रहेगी। क्या करते हैं जी आप? वह भट्टे का काम कर रहे थे, और क्या करते, वही हम ठाली पड़े, अब जुआ पुआ खेल लो, थोड़ा मोटा टाइम पास कर लो, और क्या कर रहे। विधायक जी को जानते हैं? नहीं मैं किसी को नहीं जानता, मतलब अपने घर से सिवा कहीं नहीं जाता। वोट नहीं दी थी पिछली बार? दी थी। किसे दी थी? किसे दी थी? मोदी को। क्यों? बस जब दी थी पहले, अब जब क्यों दी थी वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों दी थी, क्या कारण था, क्यों पसंद आए थे? बस जब सब दे रहे मैं भी उसे दे दी, और क्या। अब भी कह रहे लोग तो सब दे रहे, अब नहीं देते। क्यों? लोग तो अब भी कह रहे थे कांड दे, अब जा अब कांड दे, अब किसे दोगे फिर? अब तो मायावती को देंगे। मायावती को देंगे? क्यों मायावती को दोगे? हैं क्यों दोगे? वो तो अपनी खुद राजी, मतलब कोई कारण तो होगा, पहले मोदी जी पसंद आ गए थे, पहला काम चला था भट्टे सवेरे चलते, अब तो जनवरी में भी चल ले अपना रोजगार। सुनील कुमार। क्या करते हैं आप? मजदूरी करूं। मजदूरी करते हैं? तो 5 साल कैसे निकले हैं? बढ़िया निकले। कैसे बढ़िया निकले भाई? राशन मिल रहा, तेल घी मिल रहा, मजदूरी बढ़िया लग रही। अब सब पहले बहुत नुकसान रहा, अब सब पहले मजदूरी भी नहीं लगा थी, और अब मजदूरी लग रही बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और भाई नाच भी खाने को मिल रहा, और चावल भी मिल रहे, और घी भी मिल रहा। विधायक जी कैसे रहे? विधायक भी बढ़िया रहे। कुछ कराया गांव में? बस कुछ नहीं करवाया। बढ़िया कैसे रहे? बढ़िया ही हो रहे। दो बार आए पूरे गांव में। दो बार आए जब इलेक्शन थे जब आए, और भाई एक बार अब आया। तो क्या लग रहा चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में तो हम बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं बस। हाँ चाहे महंगाई रोजगार सब खत्म, कुछ भी हो जाओ, हम तो बीजेपी को कमल के फूल को वोट देंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जय कुमार है। किसान है आप? हाँ किसान है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 64 साल की।
64 साल की आपकी उम्र हो गई है, हाँ। क्या लगता है भाजपा 5 साल में सफल हो पाई नहीं हो पाई? कहाँ सफल हुई किसानों का कर ना, 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 फसल उजाड़ दी है बताओ। चेरी बेनी उन्होंने छुटाया दी, चेरी बहु तो चेरी बाबो ने छुट गई, डंगर भूख कर भूस ग्यारह रुपये कुंटल बिक रहा है, घास नहीं मिल रहा किसानों को, जई डंगर खा गाय खा जा इनका मोदी ने वह करता कहीं इनका इंतजाम करता या किसान इंतजाम करेंगे सरकार का काम होगा। आयो विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी भी सही रहा जैसा मोदी रहा, 5 साल में दिखे नहीं दिखे कभी नहीं आए भी नहीं यहाँ तक पता भी नहीं लिया क्या क्या नहीं आपके विधायक जी मारा तो चुनाव में क्या पलड़ा भरी है इस बार देखो क्या होता है जनता को। क्या नाम है जी आपका? ओमपाल। आप बताइए क्या बता रहे थे अभी आप? मगर विधायक तो इनका है भी नहीं मारा पुरका जी का, अरब अलग शर्मा वोट लेना वो अरब फिर आता ही नहीं, आता ही नहीं तो इस बार आएंगे नहीं आएंगे वोट लेने? ये बोलो तो आया नहीं, आया नहीं जब वोट से आगे जब आए लगा तो फिर आप लोग कैसे स्वागत करोगे? हम तो कसा भी नहीं करते चौधरी का, हम सोबरे का कसा भी नहीं करो स्वागत करो तो 5 साल में कैसे जब जागता जागता ही नहीं आया तो फिर करो क्या उसका स्वागत क्या करें करके हम किसानों का बुरा दिन हो रहा है। चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में हम तो भाई वोट उसके देंगे अजीत के जी गठबंधन को वोट देंगे मतलब हाँ वो समस्या का हल करेंगे आपकी? हाँ बिल्कुल। जी मेरा नाम राम लखन शर्मा है जी। शर्मा जी आप भी किसान हैं? हाँ जी छोटे से किसान हैं। छोटे से किसान हाँ। तो क्या लगता है छोटे से किसानों को कैसी लगी भाजपा? भाई जहाँ तक खाली किसानों से तभी नहीं सरकार को मानना चाहता है एकदम से एक ही पॉइंट पे सब पॉइंटों को जोड़ के देखा जाए तो भाजपा ही ठीक है, थोड़ा सा जो मन मुटाव है उसे सही कर ले तो बेहतर ही होगा, अगले आने वाले में भाजपा ही होनी है। क्या मन मुटाव है आपके अनुसार? जैसा किसानों ने आप लोगों को बताया गन्ने की समस्या भाई जो इनका मन मोटा हुआ नहीं सारा आंकड़ा लगाएगा कोई खाली किसान का भी हिसाब नहीं देखा जाता। अच्छा आपके देश भी... किसानों को हटा दीजिए और हाँ। देश हित में बताइए कैसी लगी? देश हित में तो योगी जी हैं, योगी जी रहोगे, योगी जी ही आओगे, योगी जी ही आएंगे हाँ। विधायक जी कैसे रहे? भाई जहाँ तक विधायक जी का सवाल है हमने तो कभी प्रसन्न नहीं करा मिलने का भी, पर ठीक आओ या ना आओ इस बात के बाद है सरकार की, पर फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए भाई विधायक की जिम्मेदारी भट्टे घूमने फिरने की वो तो अपना अपना फर्ज। विधायक जब जीत जाते हैं तो सबके विधायक बन जाते हैं क्षेत्र में तो आना चाहिए हाँ। समस्या पता चलनी चलती रहनी चाहिए। विधायक की जहाँ तक उम्मीद है विधायक को लोग बाग इतने आंकड़े मिल ले रहे जितने सरकार को ले रहे कि कौन सी सरकार आनी चाहिए। तो आपके अनुसार विधायक जी पे वोट नहीं डलती, फूल पे या साइकिल पे वोट डलती है या नलके पे वोट डलती है? हाँ हमारे हिसाब से तो फूल पे डलेगी, फूल पे डलेगी। ठीक आपका जितेंद्र कुमार। आप क्या करते हैं जितेंद्र जी? खेती करते हैं। किसानों के लिए बताइए कैसे निकले हैं 5 साल? किसानों के लिए सबसे भारी क्या समस्या रही है? सारी समस्या लगाया कर नीचे तो ऊपर लो कोई समस्या हल नहीं हुई। तो नीचे से लेकर बीच तक बता दो ऊपर तक ना बताओ। भाई बेल के रेट इतने कर दिए नहीं जाते हाँ। यूरिया खाद से कर दिए लिए नहीं जाते, खेती में कर रहा क्या? इस पर जोर लगाया कर 4 साल में 25 रुपये बढ़े। अच्छा उसमें देख रहा है पता नहीं क्या दे दिया था 25 रुपये में। मेल की पेमेंट की क्या हाल है? मेल की पेमेंट होती नहीं 14 8 साल हो गए 14 दिन का कहा था आज लो तो 14 दिन का या नहीं 14 दिन का पेमेंट नहीं है हाँ। विधायक जी को जानते हैं आपने? भाई विधायक को तो जब जानेंगे जब यहाँ से आओगे कोई शिकल दिखाओगा? 5 साल में आपके विधायक काजी खेड़ा में कभी नहीं कभी नहीं आए, शिकल भी नहीं आया, किसी का याद करना कौन था? नाम पता है? नाम नाम का क्या कर जब हमें नहीं पता करना है कौन आया ही नहीं आज तक। चुनाव में क्या माहौल है इस बार, किसका पलड़ा भारी? भाई पलड़ा तो अगले सर जयंत की जोड़ी रहेगी वो बढ़िया लग रही है आपको? हाँ बढ़िया रहेगी, पहला बदलाव करा था हमने फिर बदलाव करेंगे 5 साल में बाद बदलाव करते रहेंगे, बदलाव जरूरी है आपके बहुत जरूरी जी। आपका ऋषिपाल? ऋषिपाल जी हाँ। एक बार बताइए आपकी कितनी उम्र हो गई है? 75-80 के हेर फेर में। 75-80 के हेर फेर में आपने सरकार बहुत देखी होगी हाँ जी, प्रदेश में देश में, और आप किसान आदमी हाँ। किसानों के अनुसार बताइए अभी तक सबसे बेहतर कौन रहा है जिसने किसानों का विकास किया है, किसानों के बारे में विचार करता है? यही चीज जो सरकार चल रही है भाजपा हाँ ये नहीं करा अच्छा, इसने अच्छा करा हाँ। 5 साल कैसे निकले हैं इनके? ठीक, कोई समस्या नहीं हुई किसानों को? नहीं बस यही हुई एक तो भाव नहीं बढ़ा गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया हाँ। और हमारा जो क्या नाम भाव है फसल का वो निश्चित होना चाहिए, कोई कम ले लो कोई बत्ती ले लो कोई परेशान कर रहे थे, काफी किसानों को परेशान किया। किसानों के अनुसार बढ़िया नहीं रही मतलब हैं? किसानों के अनुसार बढ़िया हाँ, थोड़ी सी हाँ हकमक रही नहीं हाँ। जब विधायक जी कैसे रहे हैं वैसे आपके? विधायक तो कभी हमने शकल भी नहीं देखी उसकी। नाम जानते विधायक जी का नहीं जानते अपने?
नाजी विधायक का नाम जानते हैं हम, नाम नहीं जानते अपने विधायक। अच्छा चुनाव में क्या होना चाहिए फिर इस बार? कभी मिले ही नहीं। हाँ जब मिले ही नहीं तो बताओ नाम का क्या हो। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार आपके अनुसार? बस ठीक है, भाजपा सही है वैसे? हाँ सही रहेगी और क्या। क्या नाम है आपका? प्रदीप मलिक। आप क्या करते हैं प्रदीप जी? किसान है भाई। किसानों के लिए बताइए क्या क्या रहा पाँच साल में? पाँच साल में रहा मोदी ने योगी ने गोरे दिए, गोरे दिए और तो कुछ दिया नहीं। गोरे मतलब ये बिजार, बिजार। सांड ये समस्या रही है भाई। 3 बीघे जमीन बोई थी डंगरों के चारे के लिए, 2 बार तो वहाँ खाली और 3री बार उसमें खाद करा था रात फिर खाली वहा। जब भी काटने लायक हो जब भी मैं योगी और मोदी पी जाऊ ना। तो विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी ना भाई एक सड़क बनवाई ऐसी होगी वहा 60-70 मीटर की, वह भी आश्रम की बनवाई। गांव में ना कोई फरस ना कोई खड़ुंचा। 5 साल में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नाला पाड़ा कुछ नहीं, सब गांव के चपरे को देख लो कितना बुरा हाल है। तो भी बताइए अब चुनाव है किसका पल्ला भारी है? कौन पल्ला था भाई? यहाँ गठबंधन, गठबंधन का पल्ला भारी 110% गठबंधन जीत रहा है। अच्छा क्यों लगता है गठबंधन जीतना चाहिए आप लोगों को? जीतना चाहिए किसानों के लिए। क्या कर दिया भाई मोदी साहब जो है अंबानी का पुत्ता आया उसे तो खिलाने जा लिया वहाँ। और ये 700 किसान शहीद हुए इन्होंने भी नहीं कहा कहने लगा तुम मर रहे जी रहे जड्डे में पड़े में बैठे तुम कहाँ बैठे। एक बार गया उनके पास बताओ गया क्या पंजाब में बता दिया कहने लगा मुझे मारो थे मारने मारने खतर बैठे थे वहाँ। जब रैली में आदमी था वो तो नहीं पता बात है उनने बहाना बनाया मुझे मारो थे वहाँ कुर्सी पड़ी सारी खाली बता रहे हैं आदि मारते उसे चिन्नी को नुकारा कहने लगा मैं जान बचाया गया अगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या जान बचाया गया? तो गठबंधन सही रहेगा आपके अनुसार? गठबंधन भाई एक तरफा जीत रहा है। ठीक है क्या नाम है आपका? ओमवीर। ये दुकान आपकी है? क्या लगता है भाजपा सफल रही नहीं रही 5 साल में? बेकार रही। क्या समस्या रही है 5 साल में? कमर तोड़ दी लोगों की। हमारा दुकान में सब जब 10 रिफाइंड बिकते अब 3 महीने बिकते रिफाइंड तो फ्री दे दिए दुकानदार का आजा और किसानों की भी तो अब 1 महीने तो फ्री दिए ना बस कमर ही तोड़ दी। कमर तोड़ दी बस। ठीक जी कैसे रहे? ये पुरानी मोटरसाइकिल आया चल रही ये सभी बंद करते ट्रैक्टरों को बंद कर विधायक जी तो देखा ही नहीं उन्होंने तो। नाम पता? नाम तो पता। क्या नाम है? ऊंटवाल प्रमोद ऊंटवाल जी। ठीक है अब चुनाव में क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है इस बार? अब का तो नलका चलेगा और साइकिल चलेगी। नलका साइकिल गठबंधन ना तो वह एक्सपायर होती साइकिल। पंचर तो हो जाता भी नहीं कम हो पंचर कम हो जा जुड़ वालो जा वो तो जुड़ जाएगा। ये तो जो देना ट्रैक्टर चलन दे पुराने ना मोटरसाइकिल चलन दे ना आदमी को चल। रवि तोमर। रवि जी आप युवा हैं युवाओं के अनुसार बताइए 5 साल कैसे लगे भाजपा के? बहुत बेकार। क्या समस्या रही है 5 सालों में? एक भी वादा पूरा करा हो तो भाजपा को वोट देते भाई। पेट्रोल बंद करा हो या नोटबंदी करके भ्रष्टाचार मिटा हो कुछ भी होया हो नौकरी लगवाई हो रोजगार के वादे करे थे एक भी वादे पे आपके अनुसार खरी नहीं उतर पाई एक पे भी नहीं उतरी। इस बार क्या मांगे हैं युवाओं की? युवाओं की जयंत ने अपना आप ही कर दी पूरी। क्या पूरी कर दी? 1 करोड़ नौकरी कह रखी। अच्छा जो कह रखी है हाँ, उस वो भी अगर वादे पे खड़े नहीं उतरते फिर नहीं उतर उसका हमें पता नहीं यो वो भी हो वही है ये मोदी तो झोला छाप है ठाकरे झोला चलते हैं जो वादे करे हुए सब पूरे करे सारे पूरे कर रखे। विधायक जी कैसे रहे जानते हैं हम विधायक जी को? नहीं भाई हमने तो शिकल भी नहीं देखी 5 साल में कभी शिकल नहीं आया भी नहीं। हाँ ठीक है तो किसका पल्ला भारी सुना हुआ इस बार? लोकदल का पल्ला भारी है। जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी आप क्या करते हैं? मैं किसान का काम करता हूँ जी। किसान है आप? हाँ जी। किसानों के अनुसार बताइए मिल की पेमेंट के क्या हाल है? मिल का पेमेंट माया से बढ़ा किसने करा नहीं उससे गन्ना का रेट ज्यादा नहीं बढ़ा 2 बार गन्ना का रेट बढ़ा 1 बार 40 रुपए 1 बार 25 रुपए किसने? माया ने जी। अच्छा ठीक है जी। उसकी सरकार में कोई गरीब दुखी नहीं रहा और आज गरीब की वो है कोई लड़की बाहर नहीं निकल सकती गुंडा कर दिया है जी। अच्छा जी गुंडा कर दिया है जी। ठीक है जी। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी तो हमने आज शिकल ही नहीं देखी उनकी अभी नहीं शिकल नहीं देखी हमने उनकी। अच्छा अच्छा जी तो आपके अनुसार मायावती जी सही रहेंगी? माया जी सबसे अच्छी है। ठीक है विधायक जी दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए? नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं। नाम पता है विधायक जी का? नाम पता है लेकिन ये नहीं शिकल से नहीं जाना शिकल से नहीं देखेगा फेस टू फेस। तो चुनाव में क्या राजी है इस बार? बहन जी की है बहन जी सही रहेंगी बिल्कुल। ठीक है
ये सब पक्के समर्थन है बहन जी के। आप क्या करते हैं? मजदूरी करो जी साहब, मजदूरी करते हैं। विधायक जी को जानते हैं? विधायक जी दिखाए क्या थे? ढूंढे भी नहीं मिले, कभी नहीं मिले, हमें नहीं मिले जी। बहन जी सही रहेंगी? बहन जी पक्की सरकार है जी, मेरे तो मजबूत सरकार। वोट भी देंगे। मनोज कुमार है जी। आप क्या करते हैं मनोज जी? हम तो दुकान कर रहे हैं जी, खेती कर रहे हैं। हाँ जी, खेती बाड़ी भी है। हाँ जी, क्या लगता है भाजपा के बारे में, सफल है नहीं है? नहीं जी, क्या समस्या रही है? समस्या ही समस्या, एक तो महंगाई की समस्या, और एक ही गोरों की समस्या, बछड़ों की। हाँ जी। अच्छा, सारी समस्या ही समस्या। अच्छा, विधायक जी दिखे नहीं दिखे कभी? हाँ जी, हाँ 5 साल हो लिए, बोले तो दिखाई दिया नहीं, कभी नहीं आया ना। अच्छा, चुनाव में क्या करवा रहे हो उस बारे बताओ मुझे। हम तो लोकदल को देंगे जी, वो लोकदल को देंगे। क्यों दोगे लोकदल को? लोकदल अपनी पार्टी है जी, अपनी पार्टी है इसलिए। हाँ जी, ठीक है। आपका? जितेंद्र मलिक। आप क्या करते हैं जितेंद्र जी? खेती। आप भी किसान हैं जी। कितनी उम्र होगी जितेंद्र जी आपकी? मेरी उम्र है 47 साल। 47 साल में कई सरकार देखी होंगी प्रदेश में? बिल्कुल। सबसे बेहतर कौन रही है किसानों के अनुसार? आप रालोद और सपा की संयुक्त सरकार सबसे अच्छी थी, इस सरकार तो खराब सरकार आज तक कोई नहीं रही किसानों। क्या समस्या रही है 5 साल में? मेरे पास 7 बीघे गेहूँ आज रात में खत्म कर दिए पूरे के पूरे, पूर्ण रूप से पशुओं ने, पशुओं ने खत्म कर दिए हैं। ये प्रमुख समस्या है किसानों? हाँ जी। ये पहले कहाँ जाते थे पशु 5 साल पहले? ये बिक जाते, अब नहीं बिकते हैं ना, कोई नहीं लेता। विधायक जी कैसे रहे हैं आपके, कभी दिखे 5 साल? नहीं नहीं, 5 साल में हमने एक बार भी देखे। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? चुनाव में RLD का प्रत्याशी जीतता का यहाँ से, संयुक्त गठबंधन का प्रत्याशी, गठबंधन का। आपका? राजपाल। आप भी किसान हैं? हाँ जी। आप बताइए क्या समस्या बता रहे थे मुझे आप? भैया ये है कि सबको 2000 रुपये मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे। गांव में कितने लोगों को मिल रहे होंगे किसानों को? सबको बताओ जिससे भी सुना जा। हाँ। हमें तो मिल रहे हैं भाई, हमें तो मिल रहे। तो आपसे दुश्मनी है क्या भाजपा वालों की कुछ? अजी नहीं, कोई नहीं। तो फिर पैसे आ जाओ तो सुन इसकी, तो पैसे आ जाओ, हमें तो किसी तो भी थोड़ा सा आप वैसे न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। 5 साल में कैसी लगी भाजपा? हाँ जी, 5 साल में भाजपा कैसी लगी? बढ़िया लगी। कैसे बढ़िया लगी, क्या क्या हुआ भाई? चौक भी कर रहे, चोखा कर रहे, अच्छा कर रहे, बढ़िया कर रहे। हाँ, चुनाव में क्या माहौल? ये तो बुरा, तो भगवान को भी कहने गए। हाँ, चुनाव में क्या माहौल है इस बार? इस बार ठीक ही है भाई। कौन सही रहेगा बताओ प्रदेश के लिए? बढ़िया, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा। विधायक जी कैसे रहे? सब ठीक है, सब ठीक है। नाम है आपका? भारतवीर। आप क्या करते हैं? खेती करो। आप भी खेती करते हैं? आपकी भी यही समस्या है जो? बिल्कुल, यही सही, बिल्कुल नहीं आई हमारी भी। अच्छा, हाँ यही समस्या हमारी। तो 5 साल में बताइए, परिभाषित करिए भाजपा को कैसा लगा आप? भाई हमारे तो पहली बार सुनो, हमने पहले नहीं सोच दिया ना कदे ना कदे भी, या 100 फ्री हो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं इसका, इनसे मतलब नहीं है ना। अच्छा, विधायक जी दिखे कभी? नहीं दिखे। अरे कहाँ दिखा, यहाँ विधायक तो कहाँ, यहाँ से कोई भी नहीं आता भाई, नहीं आते विधायक जी। चुनाव में क्या है इस बार? इस बार तो हमारा लोकदल जीत रहा है, तो लोकदल जीत रहा, बिल्कुल जीतेगा। लोकदल को क्यों पसंद करते हैं वैसे आप लोग? भाई हमारी हमारे नेता है, मैं किसान मजदूर के हैं मेरे, हम तो नहीं पसंद करेंगे। आप लोगों मारे सुना हुआ है, पसंद करते हैं। हाँ, लोग तो लिख लेते मारो, वो बैठ गए सही आओगे जैसे भी आए, होना कुछ नहीं। हाँ तो विधायक जी कैसे रहे, तो बताओ। बहुत बढ़िया रहा। कैसे? हम क्या उसका चिट्ठी लेके गए? हाँ। जैसे हमने हमने नहीं वो बुलाया, उन्होंने हमने बुलाया। बात खत्म होगी, गलती तो हमारी है। भाजपा कैसी लगी वैसे? भाजपा बहुत बढ़िया रही। क्या बढ़िया रहा भाजपा में? भाजपा में बेफिक्र है। किससे बेफिक्र है? किससे बेफिक्र है? चोरों सा। अच्छा, इसलिए बढ़िया लगी बस। इसलिए बढ़िया लगी। तो चुनाव में क्या माहौल है इस बार? चुनाव में तो जीतेंगे मैं, भाजपा वाले। हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि मलिक है भाई। रवि जी आप क्या करते हैं? भाई अभी तो बेरोजगार ही है जी बस। 5 साल से बेरोजगार है, पहले भी बेरोजगार थे? भाई उम्र तो 5 साल तभी, 5 थे बेरोजगार गिने जागे, उससे पहले कहाँ बेरोजगार गिने जागे। तो विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी तो बिल्कुल जीरो केस है जी। आए कभी नहीं आए 5 साल में? आए एक बार वोट लेने बस उसके बाद दिखाई नहीं दिए 5 साल। 5 साल भाजपा को बताइए युवाओं के अनुसार कैसी रही है? युवाओं के नहीं, मैं हर किसी के लिए बता रहा भाई, किसान के लिए भी, युवाओं के लिए भी। मतलब भर्ती जो कोई आई वो पूरी नहीं हो पाई, सब अधकाल भर्ती पड़ी, कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। और
किसानों का हाल आप देख ही रहे, यूरिया पे भी घटा दिया 5 किलो, रेट जुका तू कर दिया 2.5 का कट्टा, मतलब किसानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम इस सरकार में रही। और फिर आप ही देख भी रहे थे कि भाई 10-11 महीने से आंदोलन भी चला किसानों का, वहाँ पे बहुत ज्यादा किसान शहीद हुए। चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव का माहौल ये है जी, पुरकाज जी जो विधानसभा सीट हमारी है इस पे अनिल कुमार सीट निकाल लगे बहुत आराम से, गठबंधन वाले, गठबंधन वाली, तो गठबंधन सही रहेगा आपके अनुसार? हाँ जी बिल्कुल सही रहेगा जी। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी? परमेश भार्गव। आप क्या करते हैं भार्गव जी? मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर है जी। 5 साल कैसे निकले हैं? गजब के निकले जी। कैसे गजब के निकले? बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित माहौल, कहीं चले जाओ रात दिन कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। चोरों से पंडा छूट गया, डकैतों से पंडा छूट गया। 5 साल पहले 2-8 दिन जो है बिजली को ढूंढो जहाँ थे, ट्रांसफार्मर फूक जाता था, 100-100 रुपये इकट्ठे करके जब लाओ थे। अब कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है। अच्छा, विनय जी कैसे रहे वैसे? गजब गए जी, एक आवाज़ पे आ गए थे, 1 किलोमीटर का रास्ता देखे कद्दी घड़े में, तुरंत जब बुलाओगे जब बिताओगे। अब लोग कह रहे आते नहीं भाई, इतना बड़ा क्षेत्र है, बुलाओगे अगर मैं मना करे जब, तो बात है किस बात की नाराजगी, गजब का है जी। ठीक है, चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या होना चाहिए? चुनाव में जी मजा ही आओगे, देखते रहिए, पहले से अच्छा रहेगा, पहले से अच्छा रहेगा भाजपा के लिए, बहुत गजब का। ठीक है, नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मलिक है भैया। अनिल जी आप क्या करते हैं? हम फार्मर है, खेती कर रहे हो। किसान है आप? किसान। किसानों के अनुसार बताइए 5 साल कैसे लगे भाजपा के? जो कुछ बोए गोरे खा जा, और क्या हो ऐसे लगे। कौन खा जा? गोरे आवारा पशु खा जाते हैं। जाकर देखो खेत में, एक देखो खड़ा कितना ठाड़ा, 2 क्विंटल राशन रोज चाव से, तो आप फसल बर्बाद कर दी है हमारा पशुओं ने। दिखा सका मौके पे, झूठ नहीं। हम कई लोग कई जगह बात करते हैं तो किसानों की मेन समस्या यही रही है इस बार। सबसे मेन समस्या यही है भाई, सबसे मेन। मिल की पेमेंट के क्या हाल है आपके? पेमेंट ठीक है भाई, पेमेंट ठीक आ रहा है। पहले भी पेमेंट ठीक आ रहा था, इस सरकार में ठीक आ रहा है? नहीं, जो हमारा मिल था तीता शुगर कॉम्प्लेक्स, हाँ। जिसका पहला मालिक था तब दिक्कत हुई, जब से मियो मिल बिक के दोबारा मालिक दूसरे मालिक ने लिया है तब से पेमेंट ठीक है। तो सरकार का रोल है इसमें नहीं है थोड़ा बहुत? तो सरकार कौन अपनी जेब से दे रही, हमारा माल है उसका पैसा मिल रहा हमें। ठीक है, अब विधायक जी कैसे रहे हैं आपके? भाई मैं तो सिकल इंडिया की, उसकी नाम पता है विधायक जी का? नहीं पता। हाँ नाम तो पता, प्रमोद उठवाल विधायक है आपके। हाँ जी, 5 साल में आपके विधायक जी कभी नहीं आया? सिकल नहीं दिखी भाई बिल्कुल भी। तो चुनाव नजदीक है, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इस बार? भाई हम तो वोट देंगे राष्ट्रीय लोकदल को, राष्ट्रीय लोकदल को और उसके गठबंधन को भाई। हाँ, गठबंधन के प्रत्याशी कौन है यहाँ से? अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, हाँ जी। क्यों देंगे आप गठबंधन के प्रत्याशी को वोट वैसे? भाई सुन तो ले, सब अपने के पीछे भाग रहे हैं, हम क्यों भाग गए? अपने के पीछे भाग रहे हैं इसलिए। सब नहीं भाग रहे क्या? इस 5 साल क्या मिला सरकारों? कद्दू मिला आज में। मेरा नाम विनीत सिंह है। विनीत जी आप क्या करते हैं? मेरा जनसेवा केंद्र है भाई। सेवा केंद्र आपका। क्या लगता है 5 साल में सफल हो पाई नहीं हो पाई भाजपा? नहीं, कोई सफल नहीं हो पाई। क्या समस्या रही है 5 सालों में? समस्या तो मैन जो है कि हम लोग किसान है, हाँ, और हमारी जो है कि फसल ये जितने भी है फिर रहे जो है बछड़े गोर्रे फिर रहे ये सब बर्बाद कर रहे हैं। अब गेहूँ खा लिए, ज्वार बोवे उसे खा जा, पोगे खा जा, एक नहीं हो रहा, बरसी बोनी छूट गई, तो समस्या ही समस्या है। किसान सम्मान नहीं दिखे नाम पे जो है कि जो पैसे आने चाहिए वे नहीं आ रहे, आ नहीं रहे हैं वो कहाँ रहे, किस किसान के आ रहे, बहुत कम के आ रहे। मान के चलो कि अब 100% मान लो, 100% में से जो है कि 30% के पैसे आ रहे, बाकी 70% के तो नहीं आ रहे। अब बहुत घूम रहे हमारे पास तो है, हम तो यही कार्य कर रहे, बोला हमारे पैसे नहीं आ रहे, किसी का कुछ रुक रहा, किसी का कुछ रुक रहा, तो हो नहीं रहा। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी कहाँ दर्शन दे रहे हैं यहाँ पे? 5 साल में विधायक जी कभी नहीं आए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कहीं नहीं आए। कहीं नाम प्लेट लग रही है? नहीं लग रही। अजी कहाँ लग रही, खुद देख लो ने, तुम तो जो है सर्वे कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो चुनाव में क्या माहौल है इस बार? सुनो जी, चुनाव में माहौल RLD है और हम तो जी RLD को ही जान रहे पहले से ही। ठीक है जी, हम तो आपको एक बात कहना चाह रहे हैं, जब ये कह रहे थे नहीं, कह रहे कि आंधी आ गई मोदी की आंधी आ गई, उस आंधी में भी जो है हमने RLD को दिया था, RLD के आदमी और RLD को ही दी और देते रहेंगे इसे। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार जी क्या लगता है 5 साल सफल हुए नहीं हुए भाजपा के? भाजपा के तो सफल लगी, अब योजना पूरी होगी बस, सफल ही होगी फिर तो, पर वो कौन अपने अनुकूल देख रहा, कौन अपने प्रतिकूल देख रहा, बात ये है। आपके अनुसार अनुकूल है प्रतिकूल है? नहीं, मैं तो अनुकूल रही नहीं है भाजपा कभी कभी या किसान, हम तो अपने देखो किसान की बात करते हैं, व्यापारी की बात करेगा जी जी, जो नौकरी वाला नौकरी की बात करेगा, हम तो अपने किसान की बात करेंगे जो हमें किसान से ही ताल्लुक है।
तो किसान के हक में कभी पहले से रही ना पहले, अब भविष्य का भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं आप तो कई साल से देखते आ रहे हैं उम्र। हाँ हाँ उम्र तो खैर 70-72 होगी। हाँ तो राम राम जी तो देख ली होगी 2-3 बार तो। हाँ अटल जी की सरकार देखी, इनके मोदी जी की भी दूसरी योजना देख रहे। और किसानों के लिए बढ़िया नहीं रही ना कभी, बढ़िया नहीं। कल्याण सिंह की भी देखी, अभी इनके योगी जी की भी देख रहे। तो पहले मारे बड़े नुकया करते अगवाई नेकर वाले इनते बच कर रही हो। ये जब जनसंघी थी तो ये पहले से ही नहीं रहे कभी किसानों के पक्ष के। तो कौन रहा है किसानों के पक्ष में फिर? किसानों के पक्ष में तो हुआ जैसी सरकार आवध की योजना तो सभी कुछ ना कोई लागू कर रही है, लेकिन मायावती की सरकार भी ठीक ही रही। हम तो गन्ने की बात करें या गन्ने का क्षेत्र रहे, यहाँ गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा मायावती जी ने दिया था, 40 रुपये का बढ़ाया था। मुलायम सिंह की सरकार रही उसमें भी 2 बार भाव बढ़े थे एक योजना में। अभी अखिलेश ने भी उसकी तर्ज पर ही इन्होंने भी 40 रुपये ही बढ़ाए थे। तो हम तो न समझा, हमें तो जो ठीक ठाक भाव देगा और हमारे ठीक ठाक देखभाल करेगा वो वही मार दिया बढ़िया। ठीक है। विधायक जी कैसे रहे वैसे? विधायक जी तो ये ऊँटवाल जी हैं भैया। तो अभी कभी हमने तो गांव में देखे नहीं, पूरी योजना होगी। 5 साल में काजी खेड़ा में कभी नहीं आए वो? 5 साल के 1825 दिन हो, कैलकुलेट कर लियो। लेकिन अभी 1825 दिन में एक बार भी कभी गांव में नहीं देखे। अभी बताओ क्या करें इनका। तो किसका पलड़ा भारी है इस बार फिर? पलड़ा ये नहीं कहा जा सकता कुछ भी। वोट तो दोनों को मिलेगी, भाजपा को मिलेगी, गठबंधन। अच्छा, आपके अनुसार बेहतर कौन रहेगा, गठबंधन या भाजपा या मायावती जी? नहीं हमारा जो जो हो जाएगा भुगतना तो वही पड़ेगा। भुगतना तो वही पड़ेगा। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।